हकूमत पंजाब ने सूबे की पहली क्लाइमेट चेंज रेजिलियंट कार्बन फाइनेंसिंग और मल्टी सेक्टोरल पॉलिसी की मंजूरी का फैसला किया है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की जेर सदारत क्लाइमेट चेंज पॉलिसी से मुतल्लिक इजलास हुआ। मरियम औरंगजेब ने इजलास को बताया कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जल्द काबीना की मंजूरी के लिए इरसाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में सालाना तरक्याती स्कीम के तहत 325 अरब के प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। टाइम लाइन के साथ बाकायदा फंड्स भी मुहैया किए गए हैं। उनका कहना था कि फैसले के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट बुनियादों पर काम किया जाएगा। पॉलिसी तमाम सरकारी व निजी स्टेक होल्डर्स की बाहमी मुशावरत से बनाई गई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि फैसले के मुताबिक पॉलिसी पर अमल दरामद से फजाई आलूदगी और स्मोक पर काबू पाने में भरपूर मदद मिलेगी। वाजह रहे कि मई में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क्याम की मंजूरी दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के क्याम का हुक्म दिया था। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली एक्ट 2017 में बताया गया था। अब 7 साल के बाद मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी कायम की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी के लिए फंड्स के बंदोबस्त का भी हुक्म दे रखा है। वजीर आजम ने कहा था कि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली में सबसे कम किरदार अदा करते हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। वजीर आजम ने कहा था कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए एक जामिया और मौसर लाहे अमल तश्कील देने की जरूरत है। माहौलियाती तब्दीली ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दीगर शोबों के साथ मुंसलिक है।